नमस्ते, आप सबको हमारे डिफो डायलिसिस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे डायलिसिस फ्लूइड, मतलब डायलिसिस फ्लूइड क्या है और उस डायलिसिस में कैसे काम करते हैं और इसका कंपोजिशन क्या क्या है और इसका नॉर्मल रेंज डायलिसिस और ब्लड में कितना कितना रहता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस फ्लूइड क्या है? डायलिसिस फ्लूइड दैट हेल्प रिमूव यूरेमिक वेस्ट सच एज बान, बान मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड। इट डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इट एक्ट एज वन ऑफ द मीडियम। तो केवल डायलिसिस फ्लूइड क्या कर रहे हैं? हेल्प करते हैं कि हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको निकालने में और साथ में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और ऐसे भी कैल्शियम मैग्नीशियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं ये सबको बॉडी में मेंटेन रखते हैं, मतलब नॉर्मल रेंज पर रखते हैं। और कौन कौन से मैकेनिज्म को डिपेंड करके सब होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस और प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को वो डिपेंड करके बेसिकली तो हमारा जो सॉल्यूट है वो रिमूव होता है, ठीक है। मैं पहले भी प्रिंसिपल डायलिसिस में बोल चुका हूँ। तो ये है डायलिसिस फ्लूइड और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ये सब पार्टिकल्स रहता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जितने भी पार्टिकल्स है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर रहता है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ डायलिसिस एंड ब्लड इन डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर ब्लड और डायलिसिस में कौन कौन से कंपोजिशन रहते हैं जो बेसिकली डायलिसिस में काम करते हैं, ठीक है। सोडियम ब्लड के अंदर कितना रहता है? 140 रहता है और डायलिसिस के अंदर 140 रहता है, दोनों जगह पे सेम सेम ही रहता है, ठीक है। और पोटेशियम कितना रहता है? 4.5 और डायलिसिस के अंदर कम रहता है, 2 रहता है। बेसिकली जो भी डायलिसिस पेशेंट है उसका पोटेशियम हमारे ब्लड के अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए डायलिसिस के अंदर इसको थोड़ा कम ही रखना पड़ता है, क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू जब ये सॉलिड बैलेंस होता है, ये सब जितने भी ऐसा सारे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड जब बैलेंस होता है तब अगर इसमें कम रहेगा इसमें ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड के अंदर 4.5 रहता है लेकिन डायलिसिस के अंदर 2 ही रहता है। कि क्लोराइड इसमें भी 100 रहता है, यहां पर भी 100 ही रहता है, ठीक है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर 24 रहता है, 24 ही रहना चाहिए ब्लड के अंदर। और इस पे HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट कितना रहता है? 35 रहता है, लेकिन इसका नॉर्मल 22 से 26 तक रहता है, लेकिन इसमें 35 रहता है क्योंकि जो भी डायलिसिस पेशेंट रहता है वो बेसिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रहता है। इसलिए डायलिसिस के अंदर HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट 35 रखता है, क्योंकि pH को मेंटेन करने के लिए इसका HCO3 जो है मतलब बाइकार्बोनेट जो है थोड़ा ज्यादा ही रहता है, ठीक है। बाद में बताऊंगा बफर क्या होता है, तब पता चलेगा कि बाइकार्बोनेट कैसे काम करते हैं। बान मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ब्लड के अंदर 30 mg/dL। डायलिसिस पेशेंट है उसके बॉडी में सबसे कम 30 तक रहता ही रहता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। ऐसे तो ब्लड के अंदर तो जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और डायलिसिस के अंदर यूरिया 0 रहता है क्योंकि कोई प्रोडक्ट है, इसको जितना रिमूव हो जाएगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं क्रिएटिनिन 5 mg/dL। यूरिया क्रिएटिनिन जो भी है ये सब दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये भी कम रहेगा तो अच्छा है, तो ये हमारा डायलिसिस में नहीं रहता। ग्लूकोज 100 रहता है, 100 mg/dL, ठीक है। ग्लूकोज ब्लड के अंदर 100 में रहता है लेकिन हमारे डायलिसिस में डेक्सट्रोज लगा दे 2 mg/dL। कभी कभी कहते हैं डायलिसिस पेशेंट का शुगर बहुत जल्दी कम होता है, ठीक है, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन होता है तब डेक्सट्रोज निकल जाता है। कैल्शियम 1.2, तो कैल्शियम कितना रहता है? 1.2 रहता है डायलिसिस पेशेंट के लिए, 1.2 लिखा है यहाँ पे। ऐसे प्लाज्मा के अंदर मतलब ब्लड के अंदर कितना रहता है? 2 से 2.6 तक रहता है, और ये डायलिसिस में भी सेम रहता है, कैल्शियम 2.5 तक रहता है, ठीक है। फॉस्फरस कितना रहता है? ब्लड के अंदर 4 रहता है, और ऐसे डायलिसिस में फॉस्फरस नहीं रहता क्योंकि जो भी डायलिसिस पेशेंट है उसका फॉस्फरस ज्यादा रहता है। मैग्नीशियम 2 रहता है और डायलिसिस के अंदर 1.2 रहता है, ठीक है। विटामिन B12 बेक्टेरिया प्रोटीन है, प्रोटीन 500 pg/mL रहता है लेकिन विटामिन B12 डायलिसिस के अंदर नहीं रहता, ये ब्लड के अंदर रहता है। बेसिकली ये तो फिल्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन ब्लड के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन हो जाता है। विटामिन B12 मिडिल मॉलिकुलर वेट का है, एल्बुमिन 4 रहता है, डायलिसिस के अंदर एल्बुमिन नहीं रहता। तो विटामिन B12 एल्बुमिन से प्रोटीन है, प्रोटीन डायलिसिस के अंदर नहीं रहता, हमारे ब्लड के अंदर रहता है। इसके अंदर देखते हैं ये जो जितने भी सब्सटेंस है अलग अलग में कैसे दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या आता है? सोडियम क्लोराइड पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। बफर के अंदर दो चीज आते हैं, एसिटिक और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट। ये एसिड के साइड से आता है एसिटिक, और बाइकार्बोनेट मतलब हमारा जो एल्कोली है मतलब एल्कोलिसिस है उसके अंदर में आता है HCO3, ठीक है। और ग्लूकोज भी रहता है 2.0, क्योंकि बेसिकली डायलिसिस में ग्लूकोज फिल्टर होता है। बफर के बारे में तो बात बताऊंगा बफर क्या है और कैसे काम करते हैं एसिटिक बाइकार्बोनेट। तो ये था कंपोजिशन डायलिसिस और ब्लड के अंदर, ये डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ये सब चीजें रहता है, और ये सब हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली जो सॉल्यूट रिमूव करते हैं हम लोग, तो सॉल्यूट रिमूव भी होता है साथ में इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस करने में काम करता है, ठीक है। तो बेटा चलिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।